हाय फ्रेंड्स, पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है सोनी का NX100 कैमरा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी कोई वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो लाइट आ रही है या डार्क आ रही है, यानी कि ओवर एक्सपोज आ रही है या अंडर एक्सपोज आ रही है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसमें एक सेटिंग आती है, उसको यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो है वो ज्यादा ओवर एक्सपोज है या अंडर एक्सपोज है या बराबर है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं मैं आ गया हूं कैमरे की डिस्प्ले पे। और आपको यहां पर डिस्प्ले पे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर मेन्यू प्रेस कर लिया है। मेन्यू प्रेस करने के बाद आपको यहां पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पर आ जाएंगे आप डिस्प्ले सेट। डिस्प्ले सेट पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पर आप जैसे आएंगे यहां पर एक बार फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें दो सेटिंग दी हुई है, एक तो ऑफ, एक ऑन और एक ऑन जेब्रा पॉइंट। यहां पर दो सेटिंग दी हुई है, इन सेटिंग को हम यूज करके ये जानेंगे कि हमारा जो वीडियो शूट हो रहा है वह अंडर एक्सपोज है या ओवर एक्सपोज है। तो यहां पर मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूं, ऑन करने के बाद इसे मैं यहां पर बीच का जो बटन है उसे दबाकर सेट कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं मेन डिस्प्ले पे। मेन डिस्प्ले पे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला हिस्टोग्राम यहां पर आ गया है। अब इसमें जो ये हिस्टोग्राम है, अगर ये सेंटर में रहता है तो हमारी पिक्चर एक्यूरेट है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये इंस्टोग्राम जो है आप यहां पर देख सकते हैं ये इंस्टोग्राम जो है वह इधर उधर आ रहा है। तो ये एक्चुअल पिक्चर कहां पर रहेगी, जैसे मैंने मान लो ज्यादा डार्क किया, ये ज्यादा डार्क किया, तो यहां पर देख सकते हैं आप ये इंस्टोग्राम पूरा इधर आ गया है। ज्यादा लाइट करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल इधर आ गया। तो आपको परफेक्ट वीडियो शूट करना है कि आपकी ना तो ज्यादा ओवर एक्सपोज रहे न ज्यादा अंडर एक्सपोज रहे। तो आपको करना क्या है, इधर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं ये। अब आपका जो इंस्टोग्राम है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है। आपको बिल्कुल ये सेंटर में रखना है, ये इस तरह से, ये अब ना इधर जगह ज्यादा है ना इधर जगह ज्यादा है, ये एक्यूरेट और सेंटर है। थोड़ा हम और कम कर सकते हैं हल्का सा, ये यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये इतनी सी जगह इधर है और इतनी सी जगह है। जो हमारा इंस्टोग्राम है ये बिल्कुल सेंटर में है। और अभी के टाइम पे जो हमारी वीडियो ये कैमरा कैप्चर कर रहा है, ना तो ये अंडर एक्सपोज है ना ओवर एक्सपोज है, ना ये ज्यादा लाइट है ना ज्यादा डार्क है, एकदम एक्यूरेट पिक्चर है। तो इस सेटिंग को यूज करके आप इस चीज का पता लगा सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है ना तो ज्यादा ओवर एक्सपोज आ रही है ना ज्यादा अंडर एक्सपोज, एक्यूरेट पिक्चर आपकी शूट हो रही है। इसके बाद इसमें जो दूसरी सेटिंग है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वापस हम चल जाते हैं अपनी उसी सेटिंग पे, यहां पर हम आ गए हैं। इसके बाद नीचे है ऑन जेब्रा पॉइंट, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम बैक आते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक ये लाइन बन गई है, आप देख रहे हैं यहां पर ये लाइन अपना जेब्रा पॉइंट है। अब इसके सेंटर में अपने को एक्यूरेट रखना है। जैसे आप ओवर एक्सपोज करते हैं तो पूरी लाइन इधर चल जाती है, ये वाइट लाइन इधर चल जाती है, और इसको लाइट करते हैं तो इधर आ जाती है। तो आपको ये जो जेब्रा लाइन है इसको सेंटर लेना है, और इसको सेंटर लेने के बाद आप ना तो इधर जगह ज्यादा रखेंगे ना इधर जगह ज्यादा रखेंगे, और इसको सेंटर पॉइंट आप यहां पर लेंगे। सेंटर पॉइंट लेके आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप जेब्रा पॉइंट नहीं लेते हैं तो आपको ये दोनों कोने देखने पड़ेंगे, कौन से कोने में ये जो इंस्टोग्राम है वो ज्यादा जा रहा है, कौन से कोने में कम आ रहा है, तो इनको बराबर रखना है। और अगर आप जेब्रा पॉइंट लेते हैं तो जेब्रा पॉइंट में जो बीच वाली लाइन है इसके बीच में एक्यूरेट आपको इंस्टोग्राम रखना है। अगर आपका बीच में इंस्टोग्राम है तो आपकी वीडियो परफेक्ट शूट हो रही है। तो इस तरह से इंस्टोग्राम की इन दोनों सेटिंग को आप यूज करके आपकी वीडियो को परफेक्ट, ना तो ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्क, परफेक्ट तरीके से शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।